गाइज, अगर आप सब एक नया प्रीपेड कार्ड लेना चाहते हैं तभी आप सबको वर्चुअल कार्ड के साथ साथ फिजिकल कार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन फिजिकल कार्ड को आपको 399 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। बट अगर आप वर्चुअल प्रीपेड कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो वहां पर आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई इंस्टेंटली हो जाएगा, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और उसके बाद आप क्या करना है, एक सेल्फी आपको खुद का लेना है और जैसे सेल्फी लेंगे आपका जो है वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उस वर्चुअल कार्ड के थ्रू आप सब कहीं भी कभी भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन यूज करना है तो इसके लिए आपको फिजिकल कार्ड लेना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल कार्ड का आपको 399 रुपया चार्ज देना पड़ता है। तो वो एप्लीकेशन है एरोन पे एप्लीकेशन। एरोन पे एप्लीकेशन में एक नया प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर दिया गया है, तो चलो आपको दिखाता हूं अप्लाई करने का प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी मैं अप्लाई कर चुका हूं बट उसमें जो है स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, अभी आपको दोबारा दिखा देता हूं तो आप सब कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप सब भी अपना प्रीपेड कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा एरोन पे, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना, आपको ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपको कुछ ओपन इस प्रकार से हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है जो है एरोन पे प्रीपेड कार्ड का ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिख रहा है, जो कि पावर बाय यस बैंक है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जो कि ऑलरेडी मैं कार्ड को अप्लाई कर दिया हूं, इसके लिए मेरे पास कार्ड शो होने लगेगा। बट अगर आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले आपका जो है पैन कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद अपना एक्टिवेट हो जाएगा इंस्टेंटली। जैसे पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो फिर कार्ड आपको कुछ इस प्रकार से आता है, तब इसमें आपको कार्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा कार्ड आप कोई दोनों में से लेना चाहते हैं। दो कार्ड इसमें दिया गया, दोनों रुपये का ही है, तो इसमें सिलेक्ट जैसे मैं ये करता हूँ फर्स्ट वाला, उसके बाद जो भी आपका एम पिन रहेगा अपना एम पिन डालिएगा। और ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद देखिए प्रीपेड कार्ड का नंबर आपको सबसे फर्स्ट में दिखाई देता है और उसका लिमिट आपको नीचे में दिखाई दिया जाता है, जिसका लिमिट गाइस आपको 5 लाख दिया जाता है। इस लिमिट को आप 5 लाख तक में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड हर जगह काम भी करता है, तो कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से भी मनी लोड करके और बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। लोड मनी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको एरोन पे वॉलेट में एड मनी करना पड़ता है, इसके लिए बाइक आना पड़ता है। यहाँ पर देखिए एड मनी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको एड मनी पर क्लिक करके आप बैलेंस जितना जरूरत रहेगा उतना आप एड कर लीजिए। एड करने के बाद आपको क्या करना है, इसी पर क्लिक करना है, फिर से ये कार्ड आपको ओपन हो जाएगा। इस कार्ड पर क्लिक करना है, जो भी आपका एम पिन रहेगा एम पिन डालना है, फिर आपको यहाँ पर देखिए लोड मनी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। जितना बैलेंस का जरूरत रहेगा उतना अमाउंट डालेंगे और लोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो बैलेंस है ना आपके इसी वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, जो कि अभी देखिए हमारे वॉलेट में बैलेंस थोड़ा कम है, तो हमको बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस जो है वॉलेट में नहीं है, तो पहले आप वॉलेट में लोड मनी कीजिए, फिर आप अपना डायरेक्टली इस कार्ड में ट्रांसफर कर लीजिए और इस कार्ड में ट्रांसफर करने के बाद ट्रांसफर आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत अच्छा प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है एरोन पे के द्वारा। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।